अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमें कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है और इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमारे सामने एसेट्स एंड के अंदर तो नॉन करंट एसेट्स एसेट्स में और करंट एसेट्स में इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड कैश का अमाउंट गिवन है जबकि अगर आप लाइब्रेटीज साइड के अंदर देखेंगे तो इक्विटी एंड लाइब्रेटीज के अंदर हमें सबसे पहले दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड्स। इसमें शेयर कैपिटल रिजर्वेशन सरप्लस देन हमारे पास लॉन्ग टर्म टर्म शॉर्ट और ट्रेड पेबल्स का अमाउंट गिवन है जो हमारे पास ये ये शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म हैं रियलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में है बैलेंस शीट के बाहर क्या गिवन है बैलेंस शीट के बाद आपको ये फिर से बोल रहा है कि जो शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में है कितना अमाउंट है ट्वेंटी थाउजेंड तो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है रियलिटी में कौन से वाला शॉर्ट टर्म ब्रोइंग्स वाला ट्वेंटी थाउजेंड का अमाउंट है वो इसके बाद हमें क्या कह रहा है कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर हमें जो एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मतलब जो हमने एनुअली सेल की है वो कितनी है आठ लाख फिर कह रहा है कि जो ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट है ना वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ट्वेंटी परसेंट है मतलब जो हमने सेल की है उसका ट्वेंटी परसेंट आप काउंट करके देखोगे तो आपके पास जीपी आ जाएगा बोले तो ग्रोस प्रॉफिट अब इस क्वेश्चन में हमें तीन रेशो फाइंड आउट करने हैं पहला है इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो सेकेंड है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो एंड थर्ड इज वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो अब चलते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट रेशो की ओर दैट इज इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री तो सबसे पहले हम ऊपर वाली आइटम को फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा सेल में से हमें जीपी माइनस करनी होगी क्वेश्चन में सेल हमें गिवन है आठ लाख की जीपी हमको पता नहीं है बट वो बोल रहे है कि जीपी सेल का ट्वेंटी परसेंट है बोले तो आठ लाख का ट्वेंटी परसेंट एक लाख साठ हजार तो आप एक लाख साठ हजार यहां रख दीजिए हमारे सामने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट आ जाएगा दैट इज फाइव लैख सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड कितना आ गया ये सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड तो ऊपर वाली आइटम आपके पास अवेलेबल हो चुकी है सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड बात आती है कि नीचे एवरेज इन्वेंट्री कहां से फाइंड आउट करें

आप आंसर देखेंगे तो ये 5.33 टाइम्स है आपका आंसर यही दिया हुआ है 5.33 लाख साठ हजार को माइनस किया सिक्स लैख फोर्टी थाउजेंड को डिवाइड कर दिया एवरेज इन्वेंट्री की कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैंने सीधा ही इन्वेंट्री का अमाउंट पुट किया और मेरे सामने आंसर आ गया फाइव पॉइंट थर्टी थ्री टाइम्स अब हम चलते हैं सेकंड रेशो की ओर दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्न ओवर रेशो फॉर्मूला देखिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ये कहना चाहता है कि ऊपर आपको क्या रखना है कि आपने क्रेडिट में सेल कितनी की है अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी ऐसा कोई क्ल्यू गिवन नहीं है कि क्रेडिट सेल कैसे फाइंड आउट करें क्योंकि अगर कैश सेल गिवन होती तो टोटल सेल में से हम कैश सेल माइनस करके क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर लेते बट क्वेश्चन में कैश सेल गिवन नहीं है हमको इसने सीधा ही टोटल सेल दी हुई है आठ लाख तो आप इस आठ लाख रुपए को ही क्या मान लो क्रेडिट सेल तो ये जो क्रेडिट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है ना आप इसको डायरेक्टली आठ लाख रुपए लिख दो अब बात आती है कि ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन नहीं है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट वो कितना है थर्टी सिक्स थाउजेंड आप उसको यहां पे पुट कर दीजिए हमारे सामने आंसर आ जाएगा जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.22 टाइम्स .22 आप सोल्व करके चाहे तो देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो थर्ड इज वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो ऊपर क्या रखना है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है आठ लाख ये तो आप रख दो नीचे वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे रखेंगे कैसे निकालेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइब्रिटीज अब क्वेश्चन के अंदर हमें तीन करंट एसेट्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स एंड एंड कैश कैश इक्विवेलेंट इन तीनों को आप टोटल कर दो बोले तो एक लाख बीस हजार छत्तीस हजार चौदह हजार इनको जब आप टोटल करोगे तो टोटल आ जाएगा एक लाख सत्तर हजार करंट एसेट का टोटल आ गया एक लाख सत्तर हजार अब बात आती है कि करंट लाइब्रिटीज का अमाउंट कहाँ है करंट लाइब्रिटीज हमको दो गिवन है एक शॉर्ट टर्म ब्रोइंग की फॉर्म में उस शॉर्ट टर्म ब्रोइंग को इन्होंने क्या बोला हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट और दूसरा अमाउंट किस चीज का है ट्रेड पेबल्स का तो बीस हजार प्लस सत्तर हजार कितना हो गया सेवन तो करंट लाइबिलिटीज है तो आप इसको फाइंड आउट कर लेना आपकी एक लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल आ जाएगी यहां रख लो और आपका ये एट टाइम्स आ गया इसका कहने का मतलब क्या है कि वर्किंग कैपिटल के कंपैरिजन में हमारी सेल कितनी हो रही है आठ गुना हो रही है क्योंकि आपने देखो दोनों में ही क्या रिलेशन फाइंड आउट किया है सेल और वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल अगर एक लाख है उसके कंपैरिजन में हमने सेल कितनी की है आठ लाख की है बोले तो आठ गुना की है तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमें तीन रेशो फाइंड आउट करने थे सबसे पहले था हमारे पास इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो सेकेंड था ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो एंड थर्ड वाज वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशो